हे गाइस, अगर आप चाहते कि आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में MIUI में दिए गए कैमरे की ऐप को यूज कर पाए, जी हाँ, ये वही कैमरे की ऐप है जो MIUI A1 में दी गई है, जो उस फोन में बेहतरीन फोटोज क्लिक करती है। देखते रहिए इस वीडियो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये ऐप पा सकते हैं और किसी भी एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं टेकी टीवी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आखिर में एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप इंस्टाग्राम की वीडियोस को इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको कैमरे की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऐप आपको किसी भी एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल हो जाएगी। सो गाइस, ये बिल्कुल MIUI की ऐप ही है जो MIUI A1 से एक्सट्रैक्ट कर ली गई है, जिससे आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में इस ऐप का यूज कर पाए। सो गाइस, जैसे ही इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इस ऐप को परमिशंस नहीं दी है कि कैमरा यूज कर पाए, आपके डिवाइस का हार्डवेयर यूज कर पाए। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, सेटिंग की ऐप में आपको जाना है इंस्टॉल्ड ऐप में। तो इस कैमरे की ऐप को उस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लीजिए और परमिशंस में जाके सारी की सारी परमिशन इस ऐप को अलाउ कर दीजिए। तो ये सब करने के बाद आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाके उस ऐप को ओपन करेंगे तो ये ऐप फुली ओपन हो जाएगी और इसमें सभी तरीके के आप फीचर देख सकते हैं जो MIUI A1 में दिए गए हैं या फिर MIUI के कैमरे में आपको मिलती है। सबसे पहले आपको ऊपर HDR मिलेगा, उसके बाद साइड लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिलेगा फ्लैश का ऑप्शन, जिसे आप ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको फिल्टर्स देखने को भी मिलेंगे जो कि आपको एक MIUI के कैमरे की ऐप में मिलते हैं। क्योंकि ये ऐप Xiaomi के MIUI A1 से एक्सट्रैक्ट करी गई है और पोर्ट कर दी गई है बाकी फोन्स के लिए, इसलिए आप उसको बिल्कुल उसी प्रकार से यूज कर पाएंगे जैसे आप एक Xiaomi के डिवाइस में यूज करते हैं। तो इसके नीचे आपको साइड में गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रंट कैमरा के ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद ऑप्शंस में जाके आपको तरह तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें पैनोरामा मोड हो गया, टाइमर हो गया और तरह तरह की बाकी चीजें जो उसमें बहुत सारे दे रखे हैं। तो काफी यूजफुल ऐप होगी आपके लिए और आप अपने कैमरे एक्सपीरियंस को और बेहतर बना पाएंगे इस ऐप के जरिए। तो ऑप्शंस में जाके जब आप ऊपर दिए गए सेटिंग के आइकन पर जाएंगे तो आपको तरह तरह के और फीचर देखने को मिल जाएंगे इस ऐप के, जिससे आप कैसे सेव करना चाहते हैं और कहाँ पे सेव करना चाहते हैं अपनी फोटोज को, और आप कैमरे की साउंड को ऑफ और या ऑन कर सकते हैं, और तरह तरह के बाकी ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो MIUI के कैमरे में दी जाती है। तो काफी परफेक्ट ऐप है और काफी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करती है, अगर आप कंपेयर करें आम कैमरे जो फोन में दिए जाते हैं उनसे तो काफी बेहतरीन फोटो क्लिक करती है, और इसमें तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि MIUI जाना जाता है उसकी कस्टमाइजेशन की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं जो आपको बाकी फोन्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें भी आपको ऑप्शंस में जाने के अंदर आपको टाइम लैप्स, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो आप टाइम लैप्स भी यूज कर पाएंगे, स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। ऊपर दिए गए सेटिंग के आइकन में भी आपको इसमें तरह तरह की ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि आप HD या SD किस टाइप की वीडियो सेव करना चाहते हैं और आप कितनी टाइम लैप्स की ड्यूरेशन चाहते हैं कि कितने देर में वो चीज रिकॉर्ड करे। जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी टैप कर रहा हूँ और फोकस शिफ्ट कर रहा है ये ऐप। तो गाइस, ये ऐप काफी फीचर से लोडेड है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इस ऐप को यूज कर सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में। नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, इससे मैं भी जान पाऊँ आप कितनी अच्छे तरीके की फोटो ले सके इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं इस वीडियो के आखिर में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम में दिए गए वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं काफी इजीली। तो गाइस, सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन कीजिए, उसके बाद उस वीडियो को लिंक कॉपी के लिए जैसे मैं अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ, उस लिंक को कॉपी करने के बाद आपको इंस्टॉल करनी है ऐप जिसका नाम है इंस्टाग्रेट वीडियोस, मतलब की ऐप आपकी सभी वीडियोस को ऑटोमेटिक डाउनलोड भी कर लेता है, पर आप चाहे तो मैन्युअली लिंक कॉपी पेस्ट करके उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो को काफी इजीली खाली लिंक कॉपी करने के बाद और मेरी गैलरी में भी ऐप उस वीडियो को सेव कर देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो काफी बेहतरीन ऐप है और आप चाहे तो इसको प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम में दिए गए वीडियोस को अपने फोन में सेव कर सकते हैं। सो गाइस, अगर ये वीडियो को पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी इन चीजों को बेहतरीन तरीके से यूज कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है और काफी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं फिर जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही होती है इस वीडियो की एंडिंग, और मिलेंगे अगली वीडियो में।